पिछला क्वेश्चन जैसा किए हैं वैसा ही सोचना है। क्या हो रहा है? इधर से बॉल सर आया, एक रॉड सेकंड, आया, 90 डिग्री पे टकरा रहा है। सिचुएशन को सोचो और सॉल्व करो। क्या सेम चीज है, डायरेक्टली लिख रहे हैं। एल इनिशियल क्या लिखेंगे बताओ तुम लोग। सो आईओ माइनस आईओ ओमेगा प्लस एमवीएल वन। माइनस बॉल के लिए क्या लिखेंगे? एमवीएल प्लस एमवीएल ठीक है, 1 kg है तो 1 × कितना स्पीड से जा रहा है? 20। कितना डिस्टेंस है यहाँ से इस एक्सिस का? तो 6 में से 2 गया 4। ठीक है, अगर इसकी डायरेक्शन देखो तो आर क्रॉस भी, आर इधर की तरफ है, आर वेक्टर, और वी वेक्टर। ओमेगा ओमेगा कितना आ रहा है? 5.2 -35/8 दे रखा है। ठीक है, देखते हैं। तो यहां पे अगर ध्यान से देखें तो आर क्रॉस भी करेंगे तो आउटवर्ड आ रहा है। ठीक है, सिर्फ बॉल की अगर हम बात कर रहे हैं तो बॉल के लिए आर क्रॉस भी अगर हम लिखेंगे तो ये आउटवर्ड आ रहा है, तो हम ऐसे साइन के साथ लिख रहे हैं, प्लस माइनस अभी हम नहीं जोड़ रहे। ठीक है, डॉट यानी कि आउट ऑफ द प्लेन। ओमेगा के लिए, रॉड के लिए देखोगे तो इंटू द प्लेन आएगा। ओमेगा की तरफ हम हाथ रोटेट करते हैं तो थंब अंदर की तरफ जा रहा है, तो इंटू द प्लेन होगा। तो आई, आई कितना होगा? तो ML² / 3, यानी कि ML 4 इंटू L² 6 का² / 3 इंटू ओमेगा। ओमेगा कितना है? 10। ये किधर होगा? इंटू द प्लेन। हो जाएगा कितना सॉल्व करके? 480 - 4 400 आ रहा है ना, ये 400 आ रहा है, यस और वो सर। इनटू द प्लेन, यानी कि -400 लिख सकते हैं इनटू द प्लेन को, अगर हम लोग माइनस लेते हैं तो। ठीक है, यानी कि हम डायरेक्शन इनटू द प्लेन को माइनस ले रखे हैं। अब फाइनल की बात करते हैं, एल फाइनल। एल फाइनल फिर से एक बार फिगर बना लेते हैं। क्यों? जस्ट आफ्टर कोलिजन की बात कर रहे हैं तो हम इसको मान रहे हैं कि इधर ही ओमेगा से जा रहा है, और ये बॉल भी है यहाँ, इधर ही V1 से जा रहा है, इधर V2 होगा। V2 को हम लिख सकते हैं 4 × ओमेगा। ठीक है, ये गिवन।
तो अब हम यहाँ पे एल फाइनल अगर लिखते हैं तो एल फाइनल क्या लिखेंगे? तो एम तो वन है, वी वन पता नहीं, इंटू फोर ये किधर आएगा? तो ये डॉट ही आ रहा है, प्लस रॉड के लिए लिखेंगे तो एम एल स्क्वायर बाई थ्री कितना आ जा रहा है? 48 इंटू ओमेगा, ये भी डॉट में ही है, डॉट डॉट लिख रहे हैं डायरेक्शन के लिए बस। ये हमारा एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन किधर है, ऊपर वाला इंटू आया, इधर वाला आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, ठीक है? नहीं कि हमने जो भी डायरेक्शन चूज करा है उसमें हो सकता है कि कोई अपोजिट हो, यानी ओमेगा अगर हमने जो डायरेक्शन लिया है उसका उल्टा हो, वी वन का डायरेक्शन उल्टा हो, जो भी उल्टा हो डायरेक्शन भी सेम रहेगा ही। क्लियर है? यानी कि हम फ्री हैं कि हम किधर की तरफ डायरेक्शन को मानेंगे, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन जो है अगर सही सही करते हैं तो डायरेक्शन खुद ब खुद दे देगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमने ऐसा देखा कितना, अब इनसे जो है फाइनल बराबर होगा, ठीक है? अभी भी बोलो, ये जो है 1/2 है, 1/2 है, इसको हम लिखेंगे वी टू माइनस वी वन, 4 ओमेगा माइनस वी वन अपॉन, ये कितना था? 20। अब यहाँ पे इनिशियल अगर हम आंसर दें की तरफ डायरेक्शन कितना पड़ेगा, यू टू, तो यू टू अगर ध्यान से देखेंगे तो 40 इधर की तरफ आ रहा है, यानी कि डायरेक्शन किसका है? यू टू का, कि 40 आएगा आर ओमेगा प्लस हो जाएगा, बोलो। यस हेलो, ठीक है, ध्यान से आ यस गया, 4 ओमेगा माइनस वी वन इक्वल टू 30। इन दोनों इक्वेशंस सो को ओमेगा सॉल्व 13/8 करेंगे है, 13 आंसर है ओमेगा इक्वल टू, बाई एट -35/8। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और कुछ नहीं। यस तो सॉल्व करके देख लो, मेरा ये कहीं साइन में गड़बड़े करे होगे। है। यस सर, वो गड़बड़ गया। 4 टाइम से मल्टीपल करके ऐड कर तो वी वन कट जाएगा, तो हमको दिख रहा है सर वहां पे तो वीक 4 कॉमन हो जाएगा सर, 4 कैंसिल कर सकते हैं ना फर्स्ट हाँ इक्वेशन में। वो भी कर सकते हैं। सर आगे जैसे भी सॉल्व कर लेना, आंसर दे रखा 35/8, अकॉर्डिंग ही वी वन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो बस यही कंसेप्ट है जो हम लोग पहले यूज कर रहे हैं वही चीज यहाँ भी है, बस रोटेशन ऐड हो जा रहा है। आगे भी हम लोग यही देखते रहेंगे कि सेम चीज ही करते जाना है, थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है। फिजिक्स में शुरू से तो यही चल रहा है, जो पहला दिन पढ़े थे वही आज तक यूज करते जा रहे हैं, उसमें कुछ कुछ जोड़ जोड़ के। अगर इसी में मान लेते हैं कि अगर हमसे पूछ लेता कि ये जो रॉड है वो कितने हाइट तक जाएगा, ठीक है, अटेंड बाई इट, बोलो। हाइट नहीं फाइंड करना है, बस सेंटर मेथड बता दो। ऑफ मास का ग्रेव पोटेंशियल से रिलेट करके और इसका काइनेटिक एनर्जी को सर इक्वेट करें। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कब और कब का, जैसे कि यहाँ सर पे अगर फाइनल हम का, ध्यान दें फाइनल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है,
अगर हम काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन की बात करें, कोलिजन ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्या? इस केस में नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि ये दे रखा है, ये अगर वन होता तो ये होगा। तो ये चीज हमको पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इक्वल नहीं है, क्योंकि ई का वैल्यू दे रखा है 1/2, यानी कि इन इलास्टिक कोलिजन है। इन इलास्टिक कोलिजन अगर होता है तो एनर्जी लॉस होता है, सम एनर्जी लॉस होगा। तो ऐसे केसेस में अगर हमको फाइंड करना है कि कितना हाइट अटेंड होगा, तो सिर्फ हम बाद की बात करेंगे। बाद में हम कैसे किए कि अगर हम मान लेते हैं कि ये रॉड था, बाद में हमको जस्ट आफ्टर कोलिजन की बात कर रहे हैं, कोलिजन जस्ट आफ्टर कोलिजन की बात करें, तो ओमेगा आ गया हमारा 35/8। यहाँ हम माइनस साइन इसलिए नहीं लगाए हैं क्योंकि 35/8 उल्टा इस डायरेक्शन में माइनस आया था, हमने जिधर डायरेक्शन लिया था उधर नहीं बल्कि इधर की तरफ जा रहा था, तो ऐसा गया। तो हम यहाँ के बाद जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं वही कहानी हो गया कि अगर हमारा ब्लॉक जो है यहाँ मैक्सिमम हाइट तक आता है, यानी कि अब हम इसका देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास जो है ये कितना हाइट तक गया है। एंगल निकालना हो या हाइट निकालना हो वैसे ही हम कंपेयर करके लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसके बाद का जो कहानी है, जो हम लोग बचपन से पेंडुलम वाले केसेस में करते आए हैं, वही काम यहाँ पे करेंगे। यहाँ दिख रहा है कि रॉड को हमने ओमेगा वेलोसिटी दिया है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा। यानी कि अगर हम सेंटर ऑफ मास को ये हम ले लेते हैं कि रेफरेंस लेवल है, तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये कब लिख रहे टोटल एनर्जी, ठीक है, ये कब लिख रहे हैं, तो ये जस्ट आफ्टर कोलिजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कोलिजन की बात कहा जा रहा है कि हम एनर्जी कंजर्व करा रहे हैं, यहाँ पे हम कोलिजन को कंसिडर नहीं किए हैं। कोलिजन हो चुका है, कोलिजन अपना काम करके बॉल उधर गया, रॉड इधर गया, उसके बाद हम लिख रहे हैं कि टोटल एनर्जी कंजर्व है, क्योंकि कोलिजन के बाद हमको क्या मिल रहा है कि रॉड है, इतना स्पीड मिल गया, वो कहीं जाएगा, बस एक सिंगल हमको रॉड मिल रहा है। यानी कि इनिशियली उसके पास 1/2 I ओमेगा² होगा, और फाइनली जाके यहाँ पे तो रेस्ट पे हो जाता है। जब मैक्सिमम जाता है तो हमको दिख रहा है कि उसका सेंटर ऑफ मास mgh हाइट गया होगा। यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि उसका सेंटर ऑफ मास कितना हाइट गया होगा। फिर लेंथ ये सब चीज के रिलेशन में हम थीटा भी निकाल सकते हैं कि कितना थीटा रोटेट हुआ हो। क्लियर है? यानी कि कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में अगर हमसे हाइट पूछा जाए तो डायरेक्टली इनिशियल और फाइनल एनर्जी को हम कंजर्व नहीं कराएंगे, ठीक है। ये बताने का मेरा पर्पस सिर्फ इतना था कि हम लोग बचपन से यही करते आए हैं, कैसे क्वेश्चंस में इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी करते आए हैं। यहाँ भी हम वही कर रहे हैं, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, लेकिन ध्यान रहे कब, जस्ट आफ्टर कोलिजन, क्योंकि कोलिजन में हमारा एनर्जी लॉस हुआ है, तो हम कोलिजन को पहले करा लिए, कोलिजन खत्म हो गया, उसके बाद का हम कहानी कर रहे हैं। क्लियर है? यानी कि ये नहीं करना है कि पहले रॉड का एनर्जी कितना था, बॉल का एनर्जी कितना था, फाइनली कितना होगा उसको हम करके देख लें। क्यों? क्योंकि कोलिजन के समय कुछ एनर्जी लॉस हुआ है, तो इसलिए हमने पहले कोलिजन करा के दोनों को सेपरेट अलग अलग पार्ट करके सॉल्व किया है, ठीक है। क्लियर है? कैसा क्वेश्चन है?
मान लेते हैं कि रॉड ऐसा है, स्विमिंग पोजीशन में, इस पोजीशन में फिक्स्ड है, ठीक है, वर्टिकली ऐसे हम उसको फिक्स करके रखे हैं। अब इसको हम स्लाइटली पुश्ड कर दे रहे हैं इधर की तरफ, पुश, ठीक है, बहुत धीरे से हम धक्का दे दिए, ज्यादा हमें स्पीड नहीं दी है। इसका मास m एंड l लेंथ है, तो पूछा जा रहा है कि फाइंड फर्स्ट एंगुलर एक्सेलरेशन सेकेंड ओमेगा व्हेन ठीक है थीटा फ्रॉम वर्टिकल अगर बना रहा है तब, सर जस्ट आफ्टर पुश हुआ वो एंगुलर एक्सेलरेशन, नहीं दोनों जब थीटा जो बन रहा है वर्टिकल से थीटा, यानी कि ऐसा पोजीशन हो जाएगा, रॉड ऐसा कुछ हुआ होगा, तो एंगल और वर्टिकल से थीटा, उस समय पे कितना होगा, हो गया। सर एक सेकेंड, सर सेकेंड का नहीं, थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व किया करो ऐसे। फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, सो फर्स्ट का जी साइन थीटा इंटू एल बाई टू, जी साइन थीटा इंटू एल बाई टू, एल बाई टू नहीं, किए क्या हो, हेलो, यस सर, किए क्या हो,
सर उस टाइम पे जो उस पे फोर्स लग रहा है वो, और उसको सेंटर ऑफ मास से उसका एक टेंजेंशियल हो गया। फिर से एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है तो इतना क्यों दिमाग लगाना है कि टेंजेंशियल फाइंड करेंगे ये वो। ध्यान से दिख रहा है कि mg है, ये डिस्टेंस हमको कितना दिखेगा, एम जी साइन L/2। थीटा, 2 mg sin थीटा भाई, 2 g sin थीटा भाई। हेलो, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, L/2। यस ठीक है, ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। अगर हम टॉर्क लिखे एमजी का तो क्या लिखेंगे बताओ, फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। आर परपेंडिकुलर हमको क्या दिख रहा है, ये वाला डिस्टेंस, यानी कि एमजी L/2 sin of थीटा। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, आई इंटू अल्फा। आई कितना, ML² / 3 × α। तो यहां से हमको अल्फा कितना मिल जाएगा, mm कैंसिल, 3/2 जी साइन थीटा बाई एल। बस इतना काम करना था। mg दिख रहा है, L है, टॉर्क फाइंड कर लिए, टॉर्क फाइंड कर लिया, आई अल्फा। ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग पहले भी कर रहे हैं। सेकेंड, ओमेगा कैसे फाइंड करें, बोलो। सेंटर ऑफ मास का पोटेंशियल एनर्जी चेंज उसे काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करते। ठीक है, लेट से कि इसका सेंटर ऑफ मास इतना नीचे है, ये हाइट हम एच बोल दे रहे। ठीक है, तो पहले ये जो हाइट था वो कितना था, L/2। अब ये हाइट जो दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, L/2 cos of थीटा। तो एच हमको कितना दिख रहा है, L/2 1 - cos of थीटा, इतना ही हाइट दिख रहा है। ठीक है, अब अगर हम बोले कि यहाँ पे इस समय पे इसके पास अगर ओमेगा होगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लिखें यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। ये हम और कहीं से नहीं बल्कि एनर्जी कंजर्वेशन से ही लिख रहे हैं, कि हम लोग लिखते थे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अगर हम देखें तो दोनों का अपोजिट आता है, यानी कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, यहाँ से अगर देखो तो डेल्टा पी जो है पोटेंशियल एनर्जी माइनस डेल्टा काइनेटिक एनर्जी हो रहा है, यानी कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी गेन इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आ रहा है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि उसका सेंटर ऑफ मास नीचे आया, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी घटा होगा वही काइनेटिक एनर्जी बढ़ा होगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर लिख रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। क्लियर है, तो ये हम लिख सकते हैं mgh=1/2 I ओमेगा² यहाँ पे हिंज है रॉड, अगर रॉड हिंज नहीं होता तो उसका सेंटर ऑफ मास जो है नीचे की तरफ भी आता, रोटेट भी कर रहा होता, तो हम सिर्फ ये नहीं लिखते। तो सब कहानी हम बाद में करेंगे, फिलहाल अगर ये लिख रहे हैं तो mg L/2 1 - cos of थीटा = 1/2 I ML² / 3 × ω² यहां से ओमेगा हमको मिल जाएगा, कितना मिल रहा है, (3g)(1 - cos of थीटा/L)√। यहाँ पे ध्यान से देखो तो
अल्फा हो या फिर ओमेगा हो, दोनों क्या पूरे मोशन के दौरान कांस्टेंट लग रहे हैं या फिर वेरिएबल हैं? सो वेरिएबल है। वेरिएबल है, यानी कि ओमेगा भी चेंज हो रहा है, अल्फा भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो कभी अगर हमको ऐसे क्वेश्चंस में कि इतने देर के बाद अल्फा फाइंड करने के लिए, मतलब एंगल बताओ कि कितना रोटेट करेगा ये फाइंड करने के लिए दिया जाए, तो डायरेक्ट वो जो तीन इक्वेशंस हम लोग पढ़े हैं वो यूज नहीं करना है। क्लियर है? अगर मान लेते हैं कि जी सर। पूछेगा कितने देर में बताओ कितना थीटा रोटेट करा, तो वहां पे हमको दिख रहा है कि इसमें अल्फा वेरिएबल है, तो हमको डिफरेंशियल वाले फॉर्म्स यूज करने पड़ेंगे। डायरेक्टली हम थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? ये इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे जब अल्फा कांस्टेंट हुआ करता था तब ये फॉर्मूले थे, यानी कि जो लिनियर मोशन में हम लोगों ने पढ़ा था वो जो हम लोग सर्कुलर मोशन में भी इक्वेशंस यूज करते हैं वो इक्वेशंस अगर यहाँ यूज करेंगे तो डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अल्फा कांस्टेंट नहीं है, अल्फा कांस्टेंट नहीं है तो ओमेगा भी कांस्टेंट नहीं होगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा भी कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन ओमेगा भी कांस्टेंट, मतलब कि अल्फा ही चेंजिंग हो रहा है तो हम लोग को डिफरेंशियल फॉर्म यूज करना पड़ेगा। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, तो ये सब सिंपल सिंपल चीजें हैं जो अच्छे से जानते हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे गड़बड़ होता है। ये सब छोटे छोटे चीजें थी। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं कि अगर हम कोई भी चक्के का बात करें, यानी कोई भी गाड़ी का चक्के का पहिया का बात करते हैं, तो गाड़ी के साथ साथ चक्कर रोटेट भी करता है और आगे भी जाता है, तो वैसे मोशंस को हम लोग बोलते हैं कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। ठीक है, कंबाइंड ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, प्लस रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी कि यहाँ पे सिर्फ बॉडी या तो ट्रांसलेट ही नहीं या सिर्फ रोटेट ही नहीं बल्कि ट्रांसलेट के साथ साथ रोटेट भी कर रहा हो। जैसे कि अगर हम मान ले कुल्हाड़ी से अपने दोस्त को दे मारे, ऐसा करना नहीं, पेन से मार दें, ठीक है, तो पेन को जब हम किसी एक एंड से पकड़ के फेंकते हैं तो पेन जो होता है, ध्यान से ट्राई करके देख सकते हो कि वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट भी करता है और आगे भी बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो ऐसे मोशंस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल नहीं रह जाते या फिर सिर्फ ट्रांसलेशनल भी नहीं कर सकते हैं। वो कैसे होते हैं? तो कंबाइंड होते हैं। अगर हम बॉल ही है, बॉलिंग करने जाते हैं, आज तक हम बॉल फेंकते थे तो रोटेशन को हम मानते भी नहीं थे, लेकिन हरभजन सिंह बॉल फेंकता है तो क्या होता है, बॉल को हाथ में घुमाते 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 फेंक देते हैं, तो क्या होता है कि बॉल जो है आगे भी जा रहा होता है और गोल गोल घूमता हुआ भी जाता है और गिर के फिर जो कुछ होना होता है। तो वैसे मोशंस जिसमें बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट भी करे और आगे भी बढ़े, यानी ट्रांसलेट भी करे, वन डायमेंशनल हो या टू डायमेंशनल हो अलग बात है, ट्रांसलेशनल है, तो वैसे मोशंस को हम लोग बोलते हैं कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन कर रहा है, यानी कंबाइंड मोशन है उसका। सिंपल से एग्जांपल है हमारे साइकिल का पहिया। अगर साइकिल चलाते हैं हम लोग तो पहिया गोल गोल घूम रहा होता है और आगे भी बढ़ रहा होता है। थोड़ा सा ज़ूम करें कि हम साइकिल को पीछे से उठा ले और पैडल मारे, ठीक है, यानी कि डबल स्टैंड, बड़ा वाला जो साइकिल आता है उसको डबल स्टैंड पे खड़ा कर देंगे, बाइक ही है उसको खड़ा कर दिए, तो हम लोग देखते हैं कि चक्का सिर्फ गोल गोल नाच रहा होता है लेकिन जैसे ही हम सरफेस पे रखते हैं वो आगे की तरफ भागता है, तो वहां पे जब भाग रहा होता है तो चक्का घूम भी रहा होता है और आगे बढ़ भी रहा होता है। तो वैसे केसेस में हम लोग को दिख रहा है कि चक्का सिर्फ रोटेट ही नहीं कर रहा है बल्कि ट्रांसलेट भी कर रहा है, तो ऐसा जो मोशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। जैसे वही चक्का वाला हम फिगर बना रहे हैं, लेट्स से कि हमारा
पहिया है, इधर किसी स्पीड बी से जा रहा है और किसी ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है, क्या होगा? ये रोटेट रोटेट करता हुआ, जैसे कि अगर ये पॉइंट ए यहाँ पे है, तो धीरे धीरे ये क्या करेगा, हो सकता है कि यहाँ पहुंच जाए, फिर टॉप पे पहुंच जाए, फिर इधर पहुंच जाए, फिर से रोटेट करके यहाँ ग्राउंड पे आ जाए। यानी कि इसका अगर हम पाथ की बात करें तो ये कुछ इस तरीके का इसका पाथ होता है। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है, ये जो पाथ ये फॉलो करता है इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोइड। ठीक है, बस नाम के लिए है। साइकिल का पहिया का अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो है साइकिल आगे भी बढ़ रहा है और ये जो पॉइंट ए है ये ऐसा आगे की तरफ बढ़ के फिर से वहीं पे आएगा। एक रोटेशन की अगर हम बात करें तो पॉइंट ऐसा रोटेट होते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। कभी देखे होगे कि साइकिल के पहिए में मिट्टी कीचड़ कुछ लग गया है, तो अगर रोटेट होता है तो उसका पाथ की बात कर रहे हैं, तो उसके पाथ जो होता है उसको हम बोलते हैं साइक्लोइड। खैर, उससे हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, सिंपली बस ये समझने के लिए है कि यहाँ पे अगर जो भी हो रहा है हमको साथ साथ दिख रहा है कि ये पार्टिकल जो है रोटेट भी हो रहा है अपने एक्सिस के अबाउट। यानी कि हम इसके सेंटर पे बैठ के देखते हैं यहाँ चीटी बन के, तो ये हमको ए जो पॉइंट दिख रहा है ये गोल गोल घूमता हुआ दिखता। ठीक है, साइकिल का पहिया घूम रहा है। अगर हम उसके एक्सल पे बैठ जाएं और किसी एक पॉइंट जो चक्के के रिम पे है उसको अगर हम कंसिडर करेंगे तो हमको सिर्फ गोल गोल होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अगर बाहर से कोई आदमी ऑब्जर्व कर रहा है तो गोल घूमने के साथ साथ आगे भी बढ़ रहा है। तो ऐसे मोशंस को हम लोग बोल रहे हैं ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो अभी तक जैसा कि हुआ है कि हम लोग पहले पार्ट में शुरू से ट्रांसलेशनल पढ़ते आए पढ़ते आए पढ़ते आए, सब कुछ पढ़े, फिर लास्ट में हम लोग घुमाना शुरू किए। तो घुमाना भी शुरू किए तो सिर्फ रोटेशनल वाले पार्ट देखे। ठीक है, और फिर अब हम लोग कंबाइंड देख रहे हैं कि रोटेशन भी होगा ट्रांसलेशन भी होगा तब क्या होगा। ठीक है, तो इस केस को भी समझने के लिए धीरे धीरे वैसे ही हम लोग चलेंगे कि पहले डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी समझेंगे, फिर एक्सेलरेशन, वैसे ही आगे धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे जैसे कि बाकी सब में बढ़े। तो ये पहला कर रहे हैं हम लोग, इसमें डिस्प्लेसमेंट कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे देखेंगे, कैसे फील करेंगे, वो चीज हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा साइकिल का पहिया है। ठीक है, हम दो एक्सिस बना लेते हैं ताकि हमको समझने में थोड़ा आसानी रहे। इधर हम बोल रहे हैं एक्स एक्सिस है, इधर बोल रहे हैं वाई एक्सिस है। ये इधर ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है और ये इसका सेंटर ऑफ मास वी स्पीड से आगे भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम कैसे इसको देखेंगे, वो हम देखने का नजरिया अभी हम लोग सीख रहे हैं। जनरली हम लोग देखते हैं चल भी रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, कॉम्प्लिकेटेड नजर आता है, लेकिन हम लोग इसको देखेंगे कैसे, कैसे ऑब्जर्व करेंगे, वही चीज हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। तो हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ये एक्स ये वाई। ठीक है, अब तुम सब कोई यहाँ पे इसका जो सेंटर है, इस सेंटर पे खुद को एज्यूम करो कि हम इस सेंटर पे एक चींटी बन के बैठ गए। ठीक है, हम सेंटर पे बैठ गए हैं। अगर हम सेंटर पे बैठ गए हैं कोई भी पॉइंट, लेट से कि यहाँ पे ए पॉइंट है, ओमेगा से रोटेट हो रहा है, तो टी टाइम के बाद वो हमको कहाँ दिखेगा बताओ? हम इस सेंटर पे बैठे हैं, ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है, तो हमको कुछ देर के बाद ये पार्टिकल क्या यहाँ कहीं दिखेगा बोलो? यसो, ये थीटा। अगर हम उस थीटा की बात करें तो थीटा कितना होगा बता सकते हो?
जितना ओमेगा स्पीड से चल रहा है, टी टाइम यानी कि ओमेगा टी होगा, कांस्टेंट ही लिए हैं ओमेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम सिंपली कांस्टेंट ओमेगा है भी कांस्टेंट ही माने हैं, ठीक है। फिलहाल हम समझ रहे हैं, अगर हम खुद को चीटा बन के उसके एक्सेल पे बैठ गए, एक्सेस पे बैठ गए, सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए, तो हमको क्या दिखेगा? ये पार्टिकल आगे जाता हुआ तो नहीं दिखेगा, सिर्फ क्या करता हो दिख रहा है, रोटेट होता, क्लियर है? क्योंकि हम जानते हैं कि रिलेटिव मोशन में पड़ रखे हैं, साथ साथ दो अगर गाड़ी चल रही हो तो दोनों रेस्ट में दिखेंगी। तो वैसे ही अगर हम सेंटर पे बैठ गए हैं तो हमको भी नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ क्या दिख रहा होगा, ओमेगा। और ओमेगा यानी कि हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ओनली रोटेशन दिख रहा है। हाँ अगर वो सेंटर बैठा तो वो भी तो रोटेट करेगा, तो दोनों का फिर ओमेगा तो सेम होगा। अच्छा, साइकिल का पहिया का एक्सल देखे हो, यस रोटेट करता है, उसके ऊपर सब रोटेट कर रहा होता है। वो रोटेट नहीं करता बोलो, शायद। तो वह जैसे रॉड लगा होता है ना, ऐसा एक गोल टाइप का होता है, इसमें से एक रॉड ऐसा निकल के, फिर इसमें से ऐसा हर तरफ, फिर ऐसा होता है, ऐसे ही होता है कुछ, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, बॉल बियरिंग्स ये सब डाले जाते हैं ताकि और फ्रिक्शन कम रहे। तो ये वाला जो है, जो साइकिल से अटैच्ड रहता है हमारा, वो क्या करता है, सही से पकड़ के रखता है, इसके ऊपर ये सब गोल गोल घूम रहा होता है। तो हम उसी पे बैठे हुए हैं, ठीक है। और वैसे भी जब हम एक्सिस पे बैठ जाएंगे तो हम रोटेट होता हुआ क्या दिखेगा, ठीक है। एक्सेल है ऐसे समझो कि वो ऐसे ही फिक्स्ड, तो ये चीज दिख रहा है। अब मान लेते हैं कि अब ग्राउंड से रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। हम इसका रोटेशन को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये पहले यहां था, अब यहां गया है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, सिर्फ ट्रांसलेशन, ठीक है। सोचो कि ये जो भी हमारा है वो रोटेट नहीं कर रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम टी इक्वल टू 0 पे यहाँ से शुरू हुए थे, अभी टाइम टी पे यहाँ पे, तो ये इतना दूरी, यानी कि पॉइंट ए जो है वो कितना दूरी आगे बढ़ा होगा, वीटी VT टाइम, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया है, वो कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया है, सिर्फ ये जो रोटेशन हो रहा था, हम जानते हैं कि ऐसा होता है, उसको अलग अलग सिचुएशन में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ रोटेशन माने तो ये पॉइंट अपने उस सेंटर के अबाउट घूमता, गोल गोल घूम रहा होता। लेकिन अगर हम सिर्फ ट्रांसलेशन देख रहे हैं, वो रोटेशन को हम दिमाग से उड़ा दे रहे हैं, तो देख रहे हैं कि सारा का सारा पार्टिकल वीटी दूरी चला होगा, ऐसा, यानी कि दोनों को हमने अलग अलग देख लिया। अब इन दोनों को फिर से हम कंबाइंड कर देते हैं, ठीक है। अगर कंबाइंड करेंगे, आफ्टर टाइम टी की बात कर रहे हैं, ठीक है, टी टाइम के बाद, तो ये लेट से कि हमारा इनिशियल एक्सिस था, ये वाई था, ये एक्स था, तो जो ए पॉइंट जो है वीटी दूरी चला है, तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास भी वीटी दूरी ही चला होगा, यानी कि उसका सेंटर ऑफ मास जो होगा यहाँ से कितने दूरी पे होगा, वीटी दूरी पे, ऐसा, ठीक है। और ये पॉइंट ए जो होगा यहाँ पे होगा, ऐसा, क्लियर है। अगर हम कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहें पॉइंट ए के, तो क्या लिखेंगे, ऑफ पॉइंट ए आफ्टर टाइम टी, ठीक है। तो ध्यान से देखो कि ये डिस्टेंस था वी टी, लेट से किसका रेडियस जो है आर है, ये एंगल थीटा मिला,
ठीक है, तो यहां से हम साइड से देख सकते हो कि हाइट जो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा बोलो, आर वन माइनस कॉस ऑफ थीटा, एंड एक्स कोऑर्डिनेट मीटर्स दिख रहा है वी टी माइनस आर ऑफ साइन थीटा। ठीक है, ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे हम फिगर में थोड़ा ज्यादा गंदा हो जा रहा है, इधर बना देते हैं। ये थीटा है, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट होगा, और यहाँ से ये जो है एक्स कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, ये आर है, ये थीटा है, ये वाला डिस्टेंस आर ऑफ कॉस थीटा और ये डिस्टेंस आर साइन थीटा। तो वाई दिख रहा है आर माइनस आर कॉस थीटा ये, और यहाँ पे थीटा कितना है, तो थीटा है ओमेगा टी। ठीक है, तो किसी पॉइंट पार्टिकल का हमको डिस्प्लेसमेंट पूछे, कुछ भी पूछे, तो हम इसमें अगर कंबाइंड दोनों हो रहा है तो हम दोनों कुछ देख पा रहे हैं यहाँ पे, सिंपल चीज। ठीक है, यानी कि अगर हमको मोशन देखना है, मोशन ऑफ पार्टिकल अगर देखना है जो कि कंबाइंड देख रहा है, तो यहाँ ध्यान से देखते हैं एक चीज, जो सिर्फ ट्रांसलेशनल हो रहा है, अगर हम सिर्फ सेंटर ऑफ मास को ऑब्जर्व करें बाकी हर पॉइंट को भूल जाते हैं, तो क्या सब हमको वही दिखेगा कि वीटी दूरी तय किया है। ठीक है, और अगर हम रोटेशन की बात करें तो सेंटर ऑफ मास पे जब बैठ गए तो हमको सिर्फ रोटेशन दिख रहा है, यानी कि अगर हमको ऑब्जर्व करना है तो इस दो पॉइंट्स को ही ध्यान से रखना है, यानी कि रोटेशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन है, तो इसको हम कैसे कंसिडर करेंगे, तो मोशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये क्या देगा हमको, रोटेशनल प्रोस्पेक्टिव से बात करेगा, और मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर देखेंगे तो हमको ट्रांसलेशनल के अबाउट बताएगा। ठीक है, आज तक हम लोग ट्रेन कार बस सब दौड़ाए चलाए, लेकिन सबको पॉइंट मानते थे, वो पॉइंट क्या था, सेंटर ऑफ मास। तो वैसे ही अगर हम सिर्फ सेंटर ऑफ मास देख रहे हैं तो हमको पॉइंट एक दिख रहा है तो क्या ही रोटेट करेगा, एक सिंगल पॉइंट है उसको रोटेट करा के हमको क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ सेंटर ऑफ मास को एक बार कंसिडर करेंगे और एक बार सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखेंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे जब बैठ गए तो हमको सेंटर ऑफ मास मूव करता हुआ नहीं दिख रहा है, सिर्फ क्या दिख रहा है कि बाकी सब उसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो अगर हमको कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल देखने हैं तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? सर हो गया, यस ये सवाल सेम है, वहां रॉड है, रॉड है, मान लेते हैं कि रोटेट कर रहा है, अभी इस पोजीशन में है, भी स्पीड से आगे जा रहा है, और ओमेगा अभी रोटेशन है, दोनों कांस्टेंट ही है, तो टी टाइम के बाद क्या होगा वही बताना।
सिक्स आगे फिर आगे ठीक है, ध्यान से देखो। तो हम सिर्फ इसकी सेंटर ऑफ मास को देख रहे हैं, ट्रांसलेशनल देखना है तो उसकी सेंटर ऑफ मास टी टाइम के बाद वो यहाँ पे आ गया होगा। ठीक है, सिर्फ सेंटर ऑफ मास कितना दूरी चला होगा, तो ये वी टी दूरी चला होगा। ठीक है, यानी कि अगर सिर्फ ट्रांसलेट करता तो हमको पार्टिकल और जो रॉड है हमको इतना ऐसा हमको खड़ा खड़ा मिलता, लेकिन साथ में रोटेट भी कर रहा है। तो रोटेट कर रहा है इसका मतलब कि वो यहाँ पे है। हाँ सो वाई कोऑर्डिनेट मिला L/2 ((1-cos)ωt) और एक्स कोऑर्डिनेट (VT+sin(ωt)। ठीक है, देख लेते हैं। ऐसा कुछ सिचुएशन होगा, सीधा तो होगा नहीं, कुछ रोटेट भी करा होगा। तो यहां से हम मान लेते हैं कि एंगल थीटा रोटेट करा है, तो थीटा हमको यहाँ पे कितना मिलेगा, तो ओमेगा इंटू टी, क्योंकि ओमेगा से ऐसा रोटेट करा है। हमको इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट ये वाई होगा और यहाँ से ये जो है ये एक्स होगा। तो वाई कोऑर्डिनेट हमको सीधा सीधा दिख रहा है L/2 साइन आएगा, नहीं कॉस, कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, यानी कॉस ऑफ थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ ओमेगा टी। और एक्स कोऑर्डिनेट अगर लिखना हो तो एक्स कोऑर्डिनेट हमको दिख रहा है VT+L/2 sin(ωt). दिख रहा है सबको? ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस हमको कितना मिल रहा है L/2 sin(θ), और ये वाई मिल रहा है हमको L/2 cos(θ). तो अगर पॉइंट हमको पता चल गया तो वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट साफ साफ हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमको रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल की बात करा जा रहा है तो हम लोग ऐसे ही इसको हर हमेशा कंसिडर करेंगे। ठीक है, एक साथ देखने की कोशिश नहीं करेंगे, जैसा प्रोजेक्टाइल मोशन था वहां भी हम लोग एक साथ दोनों डायमेंशन नहीं देखते थे क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते थे। लेकिन अगर हम लोग अलग अलग एक्सिस देख लेते थे, एक बार हॉरिजेंटल और एक बार वर्टिकल, तो हमारे काम आसान होते थे। वैसे ही यहाँ भी हम लोग एक बार रोटेशन देखेंगे, एक बार ट्रांसलेशन देखेंगे। ट्रांसलेशनल देखने के लिए हम लोग सेंटर ऑफ मास पे नजर डालेंगे, और अगर हमको रोटेशनल देखना है तो सेंटर ऑफ मास पे बैठ के फिर ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो यही हमारा थीम होगा रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का। अगर हम दोनों एक साथ देखने का कोशिश करेंगे तो सिचुएशंस कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे, यानी कि सिचुएशन को समझना सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। करने के लिए कर सकते हैं लेकिन कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे, तो इसलिए हमेशा हम लोग इसमें यही दो मेथड्स फॉलो करेंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन भी हम लोग पढ़ लिए, रोटेशन भी पढ़ लिए, अब उसी चीज को हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चीज के बारे में आगे पढ़ेंगे, यानी कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, वो सब चीजें फिर से। ठीक है, यस सर। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही।